हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम रजत पवार। तो दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट्स में भी कि सर हाइट कैसे बढ़ाएं। अरे हाइट बढ़ेगी कैसे, सब लोग यही पूछ रहे हैं, हाइट बढ़ नहीं रही है, कैसे बढ़े स्टंट अच्छे लगे हाइट में ज़्यादा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी इंसान की गलत फहमी ये है कि 18 साल से तक ही मतलब हाइट बढ़ती है। 18 साल तक जब तक बंदा नहीं हो जाता तब तक हाइट बढ़ती है, 18 साल के बाद नहीं बढ़ती। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं ये बात गलत साबित कर दूंगा। ये वीडियो आप पूरी देखिए एंड तक। तो मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, चाहे आप 18 साल से कम हैं, चाहे आप ऊपर हैं, मैक्सिमम आप 28 साल तक भी हैं तब भी आप इस एक्सरसाइज को करिए, आपको 100% 1 वीक में फर्क दिखेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। नहीं तो आप मेरे में कमेंट्स लिख देना गंदे वाला कि भाई फर्क नहीं मिला, लेकिन आपको जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना है। तो ये मैं अंदर बैठा हूँ, अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर के वातावरण में ही हो पाएंगी सब चीज़ें, अंदर नहीं हो पाएगी, फटाफट बाहर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी कोई खुले वातावरण में अगर इस चीज़ को करें छत वगैरह में तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी छत पे जा रहा हूँ करने के लिए, जिससे आपको मैं बता सकूँ। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, पानी पीना भी बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए ज़रूरी है। दिन में 8 गिलास पानी पीजिए, ठीक है। और इन एक्सरसाइज से पहले भी आप पानी पी सकते हैं और बाद में पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी जितना पियेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। एक दिन में 8 गिलास तो कम से कम पीजिए, अगर 10 पी सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इसी बात पर मुझे एक बात याद आई कि मैं भी पानी पी लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर जाके करेंगे और आपको बताऊँगा। पानी पीना ज़रूरी है, ठीक है। पानी ये नहीं कि छोटे से गिलास में पियो, बड़े गिलास में पियो पानी, ठीक है। छोटे गिलास में नहीं पीना है, ठीक है आपको। तो किचन की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर रोशनी में तो पहुँच गया हूँ मैं, पहले पानी पीते हैं फटाफट से, जिससे आप भी पानी पिए और तब करें। दोस्तों देखो, पहली एक्सरसाइज में आपको ऐसी दीवार ढूंढनी है, देखिए, ठीक है। अब दीवार ऐसी ढूंढनी है थोड़ी मजबूत हो, ऐसा मत ढूंढना छज्जा कि छज्जा ही नीचे आ गया आपके लटकने से, ठीक है। अब लटकने की टेक्निक देखो, डायरेक्ट नहीं लटकना है, पहले आपको ऐसे बॉडी को फ्रंट की तरफ रखना है और पैरों पर फोकस कीजिए। मेरे पैर देखिए, केवल मैं एड़ी एड़ी उठाऊंगा आप शुरू में, ठीक है। पंजे पूरा बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। एड़ी एड़ी उठानी है, ठीक है। 1 2 ठीक है, 3 इस टाइप से करना है आपको, ठीक है बस। क्योंकि क्या होता है, मांसपेशियाँ खींचेंगी तभी हाइट बढ़ेगी, समझ रहे हो। मांसपेशियाँ खींचनी चाहिए, इससे पूरी बॉडी खींच रही है। पूरा लटका लोगे शुरू में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बहुत डिस्टर्बेंस दे रहा है नीचे मेरे को, इसको मैं लात मार के फेंक देता हूँ। ये पड़ा, चलो भाई एक और मार देता हूँ, चलो ख़त्म, चलो मस्ती बहुत होगी। आगे देखो दोस्तों, तो दोस्तों मैंने बताया आपको, जितनी मांसपेशियाँ खींचती हैं तभी होता है। ऐसे ही आप उल्टे हाथ रख के भी करें, ठीक है। पैरों फोकस कीजिए, देखिए पंजे वहीं के वहीं हैं, एड़ी उठ रही है, ठीक है। उसके बाद जाके जब ये दोनों चीज़ कर लो तब जाके पूरी बॉडी को ऊपर आपको खींचना है। और ये नहीं कि लटक के रहना है 1 मिनट 2 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आराम से, बिल्कुल आराम आराम से कर सकते हो अप डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, देखिए, ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज करनी दोस्तों आपको, दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है ये वाली, देखिए। इसमें क्या है, आपको दोनों पैर चिपकाने और बॉडी को जंप लेना है, ठीक है, ऊपर को 1। लेकिन जब जंप लो आपको पूरी बॉडी को तनाव रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल लटका लो नींद आ रही जैसे, ऐसे नहीं, बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए बॉडी, स्ट्रेट, ठीक है। और हाथ भी आपके नीचे ही रहेंगे, देखो समझो जरा चीज़ को, किस टाइप से मैं जंप ले रहा हूँ। पैर 1, ये देखो पूरी बॉडी स्ट्रेट है। स्ट्रेट मीन्स कमर नहीं झुकनी चाहिए, मेन होती है कमर। अगर कमर झुक जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए दोस्त, ठीक है। ये एक्सरसाइज जब आपकी हो जाए, ये 2 कर लें आप डेली, आप इसको 1 हफ्ते का रूटीन बना लीजिए, ठीक है। 1 हफ्ता करेंगे, अपने आप आपको फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद थोड़ा दूर से आइए, फिर जंप कीजिए। इसमें बॉडी टाइट हो या ना हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मतलब दौड़ के नहीं आना है, 4-5 कदम चलना है। देखिए मैं किस स्टेप से चल रहा हूँ, 4-5 कदम, ठीक है। 1 2 3 जंप, इस स्टेप से, इस स्टेप से जो बॉडी के हैमस्ट्रिंग्स हैं वो ऊपर की तरफ अपने आप खींचेंगे और खिंचाव महसूस होगा। जैसे आप सुबह उठेंगे थोड़ा सा आपकी बॉडी में हल्का सा पेन हो सकता है एक दिन करने से इन सब चीज़ों को, लेकिन जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको हाइट में पक्का फ़र्क मिलेगा मिलेगा। और दोस्तों अपनी हाइट इन एक्सरसाइज को करने से पहले नाप लेना और फिर करने के 1 हफ्ते बाद नापना, 1 हफ्ते कम से कम 10 दिन बाद नापना, तो आपको फ़र्क अपने आप दिख जाएगा ऑटोमेटिक।
देखिए दोस्तों, हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ये वाली, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों एक्सरसाइज के बाद आपको बॉडी को लूज छोड़ देना है, क्योंकि बॉडी पे खिंचाव पड़ चुका है। कमर आपको आयो करनी है, हाथ ढीले करके यूं करके छोड़ देना है बॉडी को पूरे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरह छोड़ना है, ठीक है। कोई जोर नहीं होना चाहिए स्टैम बॉडी में लगा हुआ, और किसी भी टाइप का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी लूज छोड़ दिए, बिल्कुल बिल्कुल लूज छोड़ देनी है, देखिए दोस्तों आपको बॉडी को, ठीक है। जब आप ये कर लो उसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे आप, ठीक है। अब जो हिप्स होते हैं, आप हिप्स खींचने चाहिए, देखिए ये करना है आप, वन ठीक है, टू, ये बहुत जरूरी, वन टू। इससे आपके पैर, देखा है आपने कुछ कुछ लोगों की बॉडी ऊपर की तो छोटी होती है, पैर लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज भी करनी है, ये भी करनी है, ये मेन आपके पैरों में फ़र्क देगी आपको, ठीक है। जिनके पैर जैसे लंबे पसंद है, जिन लोगों को कि हाइट में पैर लंबे हों हमारे, ठीक है। वैसे जो हाथों का सीन होता है ना, देखिए जो कमर का सीन है, देखिए ये जो आपका हिप्स वाला एरिया है, इस पर जोर पड़ेगा इससे, ठीक है। देखिए सीधा पैरों को करेंगे वन स्टेप्स, ठीक है, टू, इस स्टेप से करना है दोस्तों आपको, ठीक है। और जल्दीबाजी नहीं करनी है, और ये ध्यान रखो कि जितना इन एक्सरसाइज को करोगे उसके साथ जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर दोस्तों अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप कुछ सीखने आए हो ना इस वीडियो में, तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखो, ठीक है। तब मैंने एंड में जाके बोला है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी आपने तो कुछ तो आप सीखने ही आए थे, ऐसे तो आए नहीं थे आप। तो यही मेरा कहना है आप लोगों को, कितना सिंपल तरीके से हो रहा है। और कोशिश कीजिए अगर हाथ पैर में टच हो जाए बाद में तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी दोस्तों आपके लिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इसका आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये सब चीज़ों का मेन है, जिसे बोलते हैं निचोड़ है ये एक्सरसाइज सब चीज़ों का, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज की उसके बाद ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिप्स पे मदद करती है करने की, ठीक है। रुकते रहो, थोड़ा आसपास नज़ारे देखते रहो, ठीक है, जिस टाइप के नज़ारे देखते हो उसके बाद दोबारा करो, ठीक है। और लूज़ कपड़े पहनो, ज़्यादा टाइट नहीं पहने, जैसे मैंने पहन रखे इसी टाइप से, ठीक है। और शूज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने में, स्लीपर पहन लो, नंगे पैर कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। सुविधाएँ ज़रूरी नहीं है, सुविधाएँ दोस्तों ज़रूरी नहीं है, जुनून ज़रूरी है आपके अंदर, ये बात आप ध्यान रखना। सुविधाएं पता नहीं कितने लोगों पे क्या क्या होती है, लेकिन जुनून नहीं होता, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जुनून है, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको करना है, ठीक है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हो, और हाइट बनाने से आपको एक बात बता दूँ, लड़कियाँ भी इंप्रेस होती हैं, फ़र्क पड़ता है देखिए, ठीक है। चलिए वो तो मस्ती की बात है, इतना करिए आप, और कमेंट में राय दीजिए, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखा दोस्तों आपने, कितने आसानी से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं घर पे ही। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 18 साल हैं या 18 साल से कम हैं या उससे ऊपर हैं, जज्बा ज़रूरी है। अगर आप में जज्बा है आप कुछ भी कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया बिल्कुल वैसी वैसी करें, और आराम से अपनी हाइट बढ़ाइए। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। थैंक यू।